जय हिंद। अगर आप इस दुनिया के सबसे बुद्धिमान प्राणी हैं तो आपको सत्ता की भाषा भी समझने आती होगी और आप आराम से चीज़ों को समझते होंगे, लेकिन आप अर्थशास्त्र को सही ढंग से नहीं समझते होंगे, ये तो मुझे पक्का यकीन है। क्योंकि अर्थशास्त्र को साधारण आदमी बड़ा जटिल समझता है, उसको लगता है ये बहुत कठिन विषय है, और जो इस विषय के बैकग्राउंड के होते भी है उनकी भी एक अलग ही समस्या होती है, वह भी व्यवहारिक ज्ञान उनके पास भी कम ही होते हैं। ये सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन अधिकांश लोगों पर ये हमारी बातें लागू होती है। तो आपको अर्थशास्त्र समझने में दिक्कत होता है क्योंकि उसकी समझ आप में नहीं है, लेकिन अर्थशास्त्र को समझना उतना भी मुश्किल नहीं है, उतना भी जटिल नहीं है, क्योंकि यह भी एक विज्ञान ही है। ठीक है कि इसका अनुमान भी हमेशा सही नहीं होता है, लेकिन मौसम वैज्ञानिकों का भी अनुमान तो सही नहीं होता है ना, वो कई बार अनुमान लगाते हैं कि वर्षा होगा लेकिन नहीं होता है, कई बार अर्थशास्त्री अनुमान लगाते हैं लेकिन मंदी आ जाती है। 2008 के महामंदी को किसी ने अनुमान नहीं लगाया था लेकिन फिर भी आ गया था, तो बड़ी आलोचना हो गई थी अर्थशास्त्रियों की। लेकिन ऐसा नहीं है कि अर्थशास्त्र विज्ञान ही नहीं है, अर्थशास्त्र को समझने के लिए कुछ मोटे मोटे चीज़ों को समझना जरूरी होता है। आपने बहुत सारे वाद को सुना होगा, वाद माने इज्म, और इज्म जब किसी शब्द के अंत में लगता है तो उसके अर्थ में आमूलचूल परिवर्तन ला देता है। आपने सामंतवाद सुना होगा, आपने पूंजीवाद शब्द को सुना होगा, समाजवाद सुना होगा, साम्यवाद शब्द को सुना होगा इकोनॉमिक्स में, लेकिन आप दूसरे दूसरे विषय में बहुत सारे वादों को सुना होगा, जैसे आतंकवाद क्या होता है, नाजीवाद क्या होता है, फांसीवाद क्या होता है, मानववाद क्या होता है, डाटावाद क्या होता है, और अगर फलाना जातिवाद क्या होता है, धर्मवाद क्या होता है, इस तरह से बहुत सारे चीज़ों को आपने सुना होगा। लेकिन उसके अर्थ को सही से समझने के लिए जब भी आप कोशिश करते होंगे तो और ज़्यादा आप समस्या में पड़ जाते होंगे। मैं आज आपको एकदम सिंपल भाषा में इसको समझा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले ये समझिए कि सामंतवाद क्या होता है। मान लेते हैं कि आप है और आप की जिंदगी जो है वह एक भैंस के ऊपर निर्भर है, आप उसी के इर्द गिर्द आपके जीवन चल रहा है, यानी भैंस के दूध बेच करके ही आपकी ज़िंदगी चलती है, और पड़ोसी लाठी ले करके आए और आपके भैंस को छीन के ले जाए, तो वैसी व्यवस्था को कहेंगे सामंतवाद। अब ऐसी व्यवस्था विश्व में नगण्य हो चुकी है। अगर पड़ोसी लाठी लेके आए और आपके भैंस का दुहा हुआ दूध छीन ले जाए तो उसको कहेंगे पूंजीवाद। यह व्यवस्था हावी है पूरे विश्व में। और अगर आपका भैंस दूध न दे रहा हो और पड़ोसी का भैंस दूध दे रहा हो तो पड़ोसी आपको अपना आधा दूध दे दे तो ऐसी व्यवस्था को कहेंगे समाजवाद। लेकिन एक बात याद रखिए, अगर पड़ोसी का भैंस दूध न दे रहा हो तो वह उसमें आप अपनी दूध उसको दे देते हैं आधा, तो उसको बोलते हैं समाजवाद। ये दोनों तरफ से होता है। और एक है साम्यवाद। ये साम्यवाद क्या होता है, जब सारी भैंसें पूरे गांव की हो और सारा दूध पूरे गांव में बराबर बांटा जाए तो ऐसी व्यवस्था को कहेंगे साम्यवाद। तो आपने मोटा मोटी इन चीज़ों को समझा होगा, लेकिन यह इतना भी आसान नहीं है, थोड़ा और डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे। लेकिन आज आप ये समझिए कि अर्थशास्त्र हम क्यों पढ़ेंगे। देखिए, इस पूरे दुनिया में रिसोर्स जितने भी है जिसका प्रयोग मानव करता है या आगे करने वाला है वह लिमिटेड ही माना गया है, यानी कि लिमिटेड रिसोर्स है। लेकिन मानव की जो इच्छाएं है वह तो अनंत है, हमारी खुद की इच्छाएं तो अनंत है, यानी कि डिजायर्स जो है वह अनलिमिटेड है, लेकिन जो रिसोर्स है वह लिमिटेड है। अब इस लिमिटेड संसाधन में और असीमित इच्छाएं में मैनेजमेंट करना जरूरी है। अगर प्रबंध नहीं करेंगे तो इस रिसोर्स का प्रयोग बुद्धिमता पूर्वक नहीं किया जाए तो यह खत्म हो जाएगा और मानव जाति के लिए समस्या पैदा हो जाएगा। इसके लिए उसका बुद्धिमतापूर्ण उपयोग हो, उसके लिए उसका प्रबंध करना जरूरी है, उसमें योजना बना करके उसका उपयोग करने के तरीके को ढूंढना पड़ेगा। तो प्रबंध में जब हम सैद्धांतिक पक्ष को देखते हैं, सैद्धांतिक पक्षों को यानी सिद्धांतों को जब फॉर्मुलेट करते हैं तो उसको कहेंगे अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का मतलब होता है सैद्धांतिक पक्ष। और अर्थव्यवस्था किसको कहेंगे, जब
जो सिद्धांत हमने बनाया है उसको कहीं ना कहीं तो लागू करेंगे ना, किसी क्षेत्र में जाके लागू करेंगे, किसी मानव के ऊपर लागू करेंगे, तो उसको बोलेंगे अर्थव्यवस्था। जब किसी देश में इसको लागू किया जाएगा, यानी व्यवहारिक पक्ष है वह, अप्लाइड पक्ष है वह, तो उसको कहेंगे अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी। इकोनॉमी हमेशा किसी न किसी क्षेत्र के, किसी न किसी देश के संदर्भ में ही होता है। जैसे भारत की इकोनॉमी, जापान की इकोनॉमी, चीन की इकोनॉमी, ऐसे होता है। तो आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे कि अर्थशास्त्र में और अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है। दोनों में अंतर है, एक सैद्धांतिक पक्ष है, एक व्यवहारिक पक्ष है। तो आपने इन दोनों को समझा होगा। अब आप समझिए कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक कौन कौन है, सेक्टर कौन कौन से है, क्योंकि सेक्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सेक्टर को आइए हम पढ़ते हैं। अगर मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति मंदिर गया पूजा करने के लिए, तो मंदिर में जाके पूजा करना यह कोई आर्थिक गतिविधि नहीं है। लेकिन अगर आप वहां निर्धनों को दान देते हैं और निर्धन लोग दान लेते हैं, तो यह दोनों की क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाएगी, ये आर्थिक गतिविधि है। इसी तरह से पूजा में आप घंटों खड़ा रहते हैं या पूजा करते हैं, तो वह आर्थिक गतिविधि नहीं है। लेकिन दान देना, दान लेना एक प्रकार की आर्थिक गतिविधि है। तो आप उसको समझ गए अर्थशास्त्र क्या होता है। अब आप अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को समझिए। हमने आपको बता दिया है कि अर्थव्यवस्था का मतलब है अप्लाइड होना, उसका व्यवहारिक उपयोग होना। तो अब आप अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को समझिए। अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र है उसको तीन वर्गों में बांटा गया है। आप यहाँ देख रहे हैं आर्थिक क्रियाओं के आधार पे 5 प्रकार का है, कार्य के आधार पे 2 प्रकार का है, स्वामित्व के आधार पे 2 प्रकार का है। तो हम सबका बारी बारी से अध्ययन करेंगे अभी, लेकिन हम पहले देखते हैं कि स्वामित्व के आधार पे अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्रक है उसमें क्या क्या है। जैसे सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र आपने सुना होगा बहुत सारा। सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब है कि पब्लिक सेक्टर, और निजी क्षेत्र माने होता है प्राइवेट सेक्टर। ये हुआ आपका पब्लिक सेक्टर और ये हुआ आपका प्राइवेट सेक्टर, आपने यह शब्द सुना होगा। तो सार्वजनिक क्षेत्र क्या होगा, जिसमें सरकार का हिस्सेदारी 51% होता है, मतलब जो जिसमें सरकार का 51% भागीदारी हो, तो उसको कहेंगे सार्वजनिक क्षेत्र। और अगर वहाँ पे 51% से कम हो जाए सरकार का हिस्सेदारी और वह निजी व्यक्ति के हाथों में चला जाए, यानी कि 51% पर निजी व्यक्ति का अधिकार हो जाए, तो उसको कहेंगे निजी यानी प्राइवेट सेक्टर। तो आप इस दोनों में अंतर को स्पष्ट किए रहिएगा। जैसे ही 51% यानी 50% से ज़्यादा हिस्सा जिसके पास रहेगा वही सेक्टर कहलाएगा। अगर सरकार के पास है तो सार्वजनिक, निजी व्यक्ति के पास है तो निजी यानी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक शब्द और समझ लीजिए कि विनिवेश क्या होता है। विनिवेश यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट ये क्या होता है। देखिए, जब सरकारी कंपनी सरकार के द्वारा बेचा जाता है, उसके कुछ हिस्सों को बेच दिया, मान लेते हैं कि 25% को बेच दिया, यानी 25% शेयर जो है किसी कंपनी का बेच करके किसी प्राइवेट को दे दिया, तो उसको बोलेंगे कि 25% का विनिवेश हो गया। तो वैसे स्थिति में कहेंगे विनिवेश। अब वह जो पैसा उसमें से बेच करके हुआ, उसको सरकार अपने तरीके से तरह तरह के दूसरे चीज़ों में खर्च करती है, तो उसको बोलते हैं विनिवेश। विनिवेश का मतलब होता है शेयर को बेच देना। लेकिन वहाँ पे सार्वजनिक होगा कि निजी होगा यह निर्भर करेगा कि वह कितना हिस्सा बेच दिया। अगर वह 51% हिस्सा दे देता है तब तो फिर वह प्राइवेट हो जाएगा, लेकिन अगर 51% हिस्सा अपने पास रखता है, 49% देता है, तब वह सार्वजनिक होगा। आप इसको समझ गए। अब आप समझिए कार्य के आधार पर। कार्य के आधार पर 2 प्रकार का होता है अर्थव्यवस्था, उसमें एक संगठित होता है, एक असंगठित होता है। तो संगठित सेक्टर क्या होता है। संगठित सेक्टर का मतलब है कि वैसा सेक्टर जिसमें रोजगार का एक निश्चित मानदंड होता है, जिसमें एक निश्चित शर्तें होती है और इसमें सामाजिक सुरक्षा मिला होता है लोगों को जो भी इस सेक्टर में काम करते हैं। मतलब
जैसे कोई सरकारी जॉब में है तो वो सब के सब संगठित क्षेत्र में है, उनको एक सुरक्षा भी मिला होता है, उनको पेंशन भी मिलता है, तो इस तरह से चीज़ें होती है उसको संगठित बोलते हैं। और जो असंगठित क्षेत्र में होते हैं जैसे सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, कहीं रोड पे ठेला लगा रहे हैं, समोसा बेच रहे हैं, गुपचुप बेच रहे हैं, तो ऐसे लोगों को असंगठित कहेंगे, या अपना खुद का बिजनेस किए हुए हैं तो ऐसे सबको अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में कहेंगे, उनको सामाजिक सुरक्षा नहीं मिला होता है, उनकी पेंशन की व्यवस्था नहीं रहती है, तो ऐसे सेक्टर को कहते हैं असंगठित क्षेत्र। हमारे देश में बहुत बड़ा असंगठित क्षेत्र ही है, सबसे ज़्यादा जो है संगठित नहीं है, सबसे ज़्यादा असंगठित क्षेत्र है। और यह एक समस्या भी है, हमारे देश के नियोजनकर्ताओं को इसके बारे में सोचना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को संगठित क्षेत्र में लाया जाए। अब आप समझिए कि आर्थिक क्रियाओं के जो आधार पे है वह पांच प्रकार के, उसमें किसकी किसकी क्या क्या विशेषता है। तो सबसे पहले आप यहाँ देख रहे होंगे कि प्राथमिक क्षेत्र हमने लिखा है, द्वितीयक क्षेत्र लिखा है हमने, तृतीयक क्षेत्र, चतुर्थक और पंचम। प्राथमिक को प्राइमरी बोलते हैं, द्वितीयक को सेकेंडरी कहेंगे, तृतीयक को टर्सरी कहेंगे, चतुर्थ को कहेंगे आपको क्वार्टरनरी और पंचम को क्वाइनरी। आर्थिक क्रियाकलाप के आधार पे जो हमने जो सेक्टर्स बांटा है वह पांच प्रकार का है। एक देख लीजिए प्राथमिक, प्राथमिक को अंग्रेजी में कहते हैं प्राइमरी एक्टिविटी। अब जो प्राइमरी एक्टिविटी है इसमें किसका उत्पादन होता है, इसमें प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके उत्पादन करते हैं, मतलब खेती करना, बीज को हम बोते हैं फिर उससे प्राप्त होता है फसलें, तो खेती करना एक प्रकार का प्राथमिक क्रियाकलाप है। पशुपालन करना एक प्रकार का प्राथमिक क्रियाकलाप है, मधुमक्खी पालन करना हो, मछली पालन करना हो, या खनन की क्रिया करना हो, यह सब प्राथमिक क्रियाकलाप में आते हैं। देखिए प्राथमिक क्रियाकलाप में जो लोग लगे होते हैं उसको रेड कॉलर श्रमिक कहते हैं, रेड कॉलर, इसको याद रखे रहिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। साथ ही साथ इसमें यह पूछ सकता है कि भारत के जीडीपी में प्राथमिक क्रियाकलाप का कितना योगदान है, तो प्राथमिक क्रियाकलाप का 17% का योगदान करता है ये भारत के अंदर में। और यह पूछा जाए कि प्राथमिक क्रियाकलाप में भारत के कितने परसेंट लोग लगे हुए हैं, तो इसमें लगभग 55% लोग लगे हुए हैं। साथ ही साथ इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता है कि अगर किसी देश का जीडीपी में 55% योगदान प्राथमिक क्रियाकलाप का हो और लगभग 55% लोग वहाँ लगे हुए भी हो उस काम को करने के लिए, तो उसको किस तरह की अर्थव्यवस्था कहेंगे, तो उसको कहेंगे कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी उसको कह देते हैं। तो आप प्राथमिक क्रियाकलाप को समझ गए हैं, अब देखिए द्वितीय क्रियाकलाप को समझिए। देखिए द्वितीय क्रियाकलाप में क्या होता है, मूल्यवर्धन का काम किया जाता है, वैल्यू एडिशन, जो प्राथमिक क्रियाकलाप से जो संसाधन प्राप्त हुए हैं उसका जब प्रसंस्करण कर दिया जाता है, उसके रूप को बदल दिया जाता है, तो उसको कहते हैं कि उसमें वैल्यू एडिशन भी हो गया। जैसे गेहूं उपजाना प्राथमिक क्रियाकलाप है, लेकिन गेहूं से बिस्किट बना देना, फैक्ट्री में ले जा करके बिस्किट बना देना, वह हो जाएगा द्वितीयक क्रियाकलाप। तो बिस्किट जब बना तो गेहूं तो 20 रुपये किलो मिल जाता है, लेकिन बिस्किट 200 रुपये किलो मिलेगा, तो क्या हुआ, गेहूं में वैल्यू एडिशन हो गया, गेहूं प्राथमिक क्रियाकलाप और बिस्किट जो बना था द्वितीयक क्रियाकलाप, तो उसमें वैल्यू एडिशन हो गया, इसको आप समझ गए होंगे। साथ ही साथ उसके मूल्य को भी बढ़ा दिया गया, और आपको ये भी पता होगा कि इसमें विनिर्माण इंडस्ट्री भी आते हैं, इसमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आते हैं, जैसे खनन करना कोयला से, यह प्राथमिक क्रियाकलाप है, लेकिन अगर हम खनन के द्वारा जैसे मैग्नेटाइट, सीडेराइट, लेमोनाइट वगैरह जो निकालते हैं, और उससे जो जब उससे रड बना दिया जाता है, छड़ बना दिया जाता है, तरह तरह के कामों के लिए, उपयोग के लिए वो तैयार हो जाता है, तो उसको बोलेंगे द्वितीयक क्रियाकलाप। अब देखिए अगर भारत की बात करें तो भारत के जीडीपी में 29% योगदान देता है ये द्वितीयक क्रियाकलाप, इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो 29% हिस्सेदारी निभाता है। अब इसमें जो कुशल श्रमिक होते हैं उसको बोलते हैं व्हाइट कॉलर, और जो अकुशल श्रमिक होते हैं उसको बोलते हैं ब्लू कॉलर। व्हाइट कॉलर का वेज ज़्यादा रहेगा, स्वाभाविक है, अकुशल से ब्लू कॉलर वाले से। और साथ ही आप ये समझिए कि किसी भी देश के जीडीपी में अगर 50% योगदान द्वितीय क्रियाकलाप के द्वारा आ रहा है, और वहाँ के औद्योगिक अर्थव्यवस्था, मतलब वहाँ के जो लोग हैं, अगर वहाँ 50% लोग भी लगे हुए हैं सेकेंडरी एक्टिविटी में, और 50% योगदान भी दे रहा है जीडीपी में सेकेंडरी एक्टिविटी, तो उसको कहेंगे औद्योगिक अर्थव्यवस्था, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी उसको कहेंगे, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी उसको कहा जाएगा। और
तृतीय क्षेत्र को समझिए। तृतीय क्षेत्र को अंग्रेजी में कहते हैं टर्सरी सेक्टर। अब इसमें क्या होता है, इसमें किसका उत्पादन होता है, तो इसमें सेवा का उत्पादन होता है। सेवा का मतलब है कि आप उसको देख नहीं सकते हैं, मतलब वह एब्स्ट्रैक्ट चीज होती है। जैसे कोई शिक्षण का काम कर रहा है, शिक्षा दे रहा है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में डॉक्टर वगैरह काम करते हैं, परिवहन ट्रांसपोर्टेशन का काम हो रहा है। जैसे आपको कोई सेवा दिया जाता है BSNL कंपनी के द्वारा या जियो कंपनी के द्वारा या एयरटेल कंपनी के द्वारा, वो सब तृतीय क्रियाकलाप के अंदर आते हैं। अब तृतीय क्रियाकलाप में क्या होता है, इसमें शारीरिक मेहनत कम होती है, मानसिक मेहनत ज़्यादा होता है, और इसमें वेजेज भी इन दोनों से इसमें ज़्यादा होता है। और भारत के अंदर की बात करें तो भारत के GDP में ये जो तृतीय क्रियाकलाप है वह 55% का योगदान देता है, यानी बहुत ज़्यादा योगदान देता है, जबकि इसमें लगे हुए लोग की संख्या कम है, 10% लोग लगे हुए हैं, लेकिन योगदान जो है GDP में 55% है, तो बड़ा महत्वपूर्ण है। और अगर किसी भी देश के GDP में अगर लगभग 50% योगदान तृतीय क्षेत्र वाले दे रहे हैं और वहाँ की जनसंख्या भी लगभग 50% उसमें लगी हुई है, तो उसको कहेंगे सर्विस इकोनॉमी, यानी कि सेवा अर्थव्यवस्था उसको कहते हैं। तो इसको आप समझ गए। अब आप समझिए चतुर्थक क्रियाकलाप। देखिए तीन क्रियाकलाप तो स्पष्ट है, चतुर्थक क्रियाकलाप और पंचम क्रियाकलाप ये तृतीय क्रियाकलाप का ही उपभाग है, पहले ये नहीं था, इसको जोड़ा गया है नया इकोनॉमी में। तो ये जो चतुर्थक क्रियाकलाप है इसमें क्या होता है, तो इसमें देखिए इसमें शिक्षा खोज अनुसंधान जो उच्च लेवल के अनुसंधान होते हैं, जैसे कोरोना का टीका बनाना, जैसे कोई रिसर्च करना किसी चीज़ पे, भूकंप कैसे आते हैं इस पे रिसर्च करना, ये सब आपके चतुर्थक क्रियाकलाप में आते हैं। इसको ज्ञान क्षेत्र भी कहते हैं, इसको नॉलेज सेक्टर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें ज्ञान की बहुत ज़रूरत होती है। साथ ही साथ इसमें मानव की जो गुणवत्ता होता है उसका तो ये आधार स्तंभ है। अगर किसी देश में ये क्षेत्र ज़्यादा विकसित है, अनुसंधान ज़्यादा हो रहे हैं, इसका मतलब कि वह क्षेत्र भी बहुत विकसित होगा, वह देश भी बहुत विकसित होगा, तो यह मानव संसाधन का एक आधार स्तंभ है। पंचम क्षेत्र की गतिविधि में क्या क्या शामिल होगा उसको आप देख लीजिए। इसमें किसी भी अर्थव्यवस्था के जितने भी शीर्ष निर्णय लिए जाते हैं वह इस प्रकार के एक्टिविटी में शामिल होगा। जैसे भारत के अंदर में संसद कानून बनाती है, तो संसद के जो लोग हैं वह मंत्री जो है या प्रशासनिक अधिकारी हो, उनको कहा जाएगा कि पंचक क्षेत्र का काम वो कर रहे हैं, क्वाइनरी सेक्टर का वो काम कर रहे हैं। साथ ही साथ इसमें उच्च नीति निर्णायक लोग होते हैं और इसमें संख्या बहुत कम होती है लोगों की, इसीलिए हमने यहाँ लिख दिया है कि कम लोग इसमें शामिल होते हैं। साथ ही साथ किसी देश के सामाजिक आर्थिक निष्पादन का यह मस्तिष्क होता है, यह ब्रेन होता है, इसलिए यह सेक्टर भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब आप एक बात समझ लीजिए कि रोस्टोव नाम का एक विद्वान था, एक अर्थशास्त्री था, उसने बताया था कि कोई भी अर्थव्यवस्था किस तरह से विकसित होती है, वह विकसित देशों की अर्थव्यवस्थाओं को देख करके यह अनुमान लगाया था और एक सिद्धांत दिया था, उसको बोलते हैं स्टेजेज ऑफ ग्रोथ का सिद्धांत, वृद्धि के चरण। उसने बताया कि 5 चरण होता है, मतलब कोई भी अर्थव्यवस्था पहले कृषि प्रधान होगी, फिर उसके बाद उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो उद्योग की प्रधानता होगी, फिर उसमें सर्विस सेक्टर का विकास होगा, फिर उसमें ज्ञान का विकास होगा, ज्ञान सेक्टर का, और उसके बाद उसमें पंचक क्रियाएँ भी आएगी। तो इस तरह से एक रेखीय रूप में कृषि से उद्योग, उद्योग से सेवा, सेवा से ज्ञान, इस तरफ से बढ़ेगा। लेकिन भारत क्या है कि भारत में पहले जब देश स्वतंत्र हुआ तो कृषि प्रधान था और 1990 के बाद वह सीधे कृषि से सेवा क्षेत्र में कन्वर्ट हो गया। यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन उस तरह से हुआ ही नहीं, उद्योग को छोड़ करके सीधे जंप कर गया कृषि से सेवा में। और यह क्रियाएँ क्यों हुई, आपको पता है कि 1990 के दशक में भारत जो है बड़े पैमाने पर LPG का काम किया था। LPG माने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इस तरह की क्रियाएं काफ़ी अधिक संख्या में हुई, जिसके कारण BPO सेक्टर भारत में काफ़ी अधिक संख्या में बढ़ा BPO सेक्टर, और इसके कारण जो है भारत सीधे पहले से जंप करके टर्सरी सेक्टर में यानी सेवा क्षेत्र में पहुंच गया, इसलिए भारत का औद्योगिक विकास अच्छे ढंग से नहीं हो पाया, और ये एक समस्या भी है, इसको समाधान किया जाना चाहिए। अब हम आपको बताएंगे कि अर्थव्यवस्था के प्रकार कितने होते हैं, और साथ ही मैंने जो अभी आपको बताया था पूंजीवादी, समाजवादी और जो साम्यवादी मैंने बताया था, उसको थोड़ा डिटेल में हम लोग देखेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद।